नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, जहां पे आप अच्छा खासा महीने का इनकम कर सकते हैं। करना क्या होगा, सिर्फ कुछ ट्रांसक्रिप्शन का जॉब है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, या तो आपको एक वॉइस ओवर सुनाया जाएगा, आप उस वॉइस ओवर को क्या करोगे, ट्रांसक्रिप्ट करोगे, मतलब उसको टाइप करोगे, या आपको वीडियो देखना पड़ सकता है, उस वीडियो में जो भी बोला जाएगा उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन का जॉब बहुत ही इजी होता है, जो आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम है वो ट्रांसक्रिप्ट। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो किया था, एक ट्रांसक्रिप्शन पे किया था, याद है कि नहीं है। अगर नहीं याद है तो आई बॉल में देखो, मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, वहां पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो और जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वो ट्रांसक्रिप्ट में आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस होगा, पूरा डिटेल्स मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना वीडियो को, शेयर कर देना और कमेंट करना ना भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट क्या करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस आपको वहां पे बताने वाला हूं कि आप कैसे यहां पे अप्लाई करोगे, कैसे आप इनकम करोगे और क्यों करोगे, कैसे करोगे, प्रोसेस पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना। यहाँ पे हमें टाइप करना है गो ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे गो ट्रांसक्रिप्ट जॉब अप्लाई हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला साइट है दोस्तों, यही है हमारा गो ट्रांसक्रिप्ट का साइट, जहाँ से हम ट्रांसक्रिप्शन का जॉब अप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ पे दो तरीके का अपॉर्चुनिटी है, पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है ये जो वेबसाइट के जो डायरेक्ट जॉब्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो, और दूसरी है आप यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का वर्क फ्रॉम होम का जॉब ले सकते हो। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको ट्रस्ट क्यों करना चाहिए और क्या है इस वेबसाइट में, ए टू जेड पूरा डिटेल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो गो ट्रांसक्रिप्ट में देख लो, +1 का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सटेंशन कोड है, तो ये US बेस्ड साइट है, पहला चीज ये समझ लो, ठीक है। 100% ह्यूमन जनरेटेड ट्रांसक्रिप्शन सर्विस, मतलब यहाँ पे ह्यूमन बेस्ड ही जो ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंप्यूटराइज या AI बेस्ड कुछ नहीं है, ठीक है। 98.5% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, 98% 98.5% का कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। 144 मिलियन मिनट्स ट्रांसक्राइब हो चुके हैं और 50 सपोर्टेड लैंग्वेज है, मतलब 50 डिफरेंट लैंग्वेज में हुए हैं। एवरेज जो यहाँ पे कॉस्टिंग है $0.72 पर डॉलर पर मिनट, ठीक है। 99% प्लस एक्यूरेसी है और 6 घंटे का टर्न अराउंड है, मतलब कोई भी काम अगर यहाँ पे आता है तो 6 घंटे में उसका ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। फोर्ब्स, हफिंगटन पोस्ट, एंटरप्रेन्योर, फास्ट कंपनी और टेको, इन बड़े बड़े साइट्स मैगजीन्स में ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, उनकी डिटेल्स मिल चुकी है। अब हाउ इट वर्क्स, आपको क्या करना पड़ता है, आपको फाइल अपलोड करना पड़ता है इजीली वाया वेब लिंक और एप्लीकेशन, और इसके थ्रू से आप साइट अपलोड करते हो। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कराना चाहते हो तो इसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। विद मेजर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपको पेमेंट करना है, ठीक है। गेट योर ऑर्डर, रिडीम योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्काउंट, आप ये डिस्काउंट अगर आप करवाना चाहते हो ट्रांसक्रिप्शन का जॉब, आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनके जो टीम है, डेडिकेटेड टीम जो है इस पे काम करिए, कौन कौन है, सैंड्रा जेनकिंस है, मार्टिन डोनाइल है और इसाबेला रूजी है, ये तीन बड़े बड़े नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे बड़े माइंड्स इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एजुकेशन इंडस्ट्री में कौन कौन है देख लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ब्राउन, शिकागो यूनिवर्सिटी, हेडलबर्ग, स्टैनफोर्ड, बार्सिलोना, ठीक है। मीडिया से रिलेटेड देख लो, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, नेटफ्लिक्स, हफिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, फास्ट कंपनी, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग, ये बड़े बड़े कंपनीज जो है उनका ट्रांसक्रिप्शन का काम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देख लो, नो हिडन फीस है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी छिपाया नहीं जाता है, और ये रहा आपका लैंग्वेज, जहाँ पे आपको हर तरह का लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपकी इंग्लिश यहाँ पे इंडियन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अब देख लो यहाँ पे हंगेरियन है, हिब्रू है, जर्मन है, अब देखो यहाँ पे बंगाली भी है, तो आपके पास लैंग्वेज का भी चॉइस है, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे दिया 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 6 से 12 घंटा, तो आपका जिस तरह का टर्न अराउंड है ना, उस हिसाब से आपका कॉस्ट भी है। आप यहाँ पे देख लो,
हम जॉब अप्लाई कैसे करेंगे, ये एकदम नीचे का यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कैरियर्स का ऑप्शन में जाके, अगर आप यूएस में बेस्ड हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पोजीशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उन पोजीशंस को देख लोगे और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला करियर का ऑप्शन जो डायरेक्टली आप कर सकते हो। अब हम मैं बताता हूँ जो हमारे लिए है, ट्रांसक्रिप्शन का जॉब है जो वर्ल्ड वाइड हर जगह पे हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि आप गूगल पे जाके गो ट्रांसक्रिप्ट जॉब अप्लाई आपको टाइप करना है और फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, मैं इस लिंक को आपको कहाँ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जॉब अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, ये वीडियो चाहो तो आप देख सकते हो, वीडियो क्लिक करने से प्ले करने लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना पैसा देती है, ठीक है। पर ऑडियो और वीडियो मिनट कितना है, 0.60 डॉलर्स, मतलब एक मिनट में 0.60 डॉलर्स आप कमा सकते हो, ठीक है। एवरेज अर्निंग पर मंथ $150 है, टॉप मंथली अर्निंग $1215। आप सोचो एक मिनट में अगर 0.6 डॉलर मिल रहा है तो एक घंटे का कितना हो गया, $6, ठीक है। तो अगर आप 5 घंटा भी करते हो तो $30, आप अगर ढंग से काम करोगे तो आप एक महीने में $900 से $1215 जो फिगर दिया हुआ है एग्जैक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज नोट, बाइंग एंड सेलिंग अ गो ट्रांसक्रिप्ट अकाउंट इज इलीगल। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई भी जॉब ले लेते हो, जॉब लेने के बाद आप किसी और को हैंड ओवर करते हो या गो ट्रांसक्रिप्ट का जॉब आप बेच देते हो करने के लिए या किसी और से करवाते हो, तो ये इलीगल है इनके लिए, ठीक है। इफ़ यू बाई एन अकाउंट यू विल लूज मनी बिकॉज वी हैव इम्प्लीमेंटेड सेफ गार्ड टू प्रिवेंट इलीगल अकाउंट परचेसेस। अगर आप अकाउंट भी गो ट्रांसक्रिप्ट का परचेस करते हो तो वो भी इलीगल माना गया। और यहाँ पे क्या है, SMS वेरिफिकेशन फेस फोटो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और रियल टाइम फोटो कोड रिटर्न ऑन पेपर, ये जो तीन प्रोसेस जो है ना, इसके वजह से ये स्कैम भी नहीं होती है। अब यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है क्या है, गो डू ट्रांसक्रिप्शन जॉब फ्रॉम होम, घर बैठे आप ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, गेट पेड रिलायबली, अब आराम से वीकली पे आउट लीजिए, कहाँ पे, पेपल या पायोनियर के थ्रू से इसकी पेमेंट होती है। वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, आपको जैसा मन जिस तरह से चाहो आप काम कर सकते हो, एकदम फ्लेक्सिबल हो। रिसीव ग्रेट सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट आपको यहाँ से दिया जाता है। चूज योर ओन प्रोजेक्ट, आप अपना प्रोजेक्ट अपने हिसाब से चूज करोगे। ग्रो योर स्किल्स, रेगुलर फीडबैक आपको मिलता है जिसके थ्रू से आप अपना जो है ना स्किल्स को इम्प्रूव करते जाते हो। इंजॉय वर्क वैरायटी, मतलब यहाँ पे तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स मिलते हैं। स्टे बिजी, हमेशा अपने आप को इंगेज रखो। ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स ऑनलाइन, वी गेट न्यू ट्रांसक्राइबिंग जॉब एवरी डे, यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू वर्क ऑन। मतलब यहाँ पे हर रोज ट्रांसक्रिप्शन का काम आता रहता है, तो इसी आप यहाँ पे हमेशा बिजी रहोगे। अब यहाँ पे FAQs दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके कुछ कुछ इंक्वायरीज हो सकती है, जैसे वैकेंसीज किस तरह की होती है, मतलब ट्रांसक्राइबर पोजीशन की अभी ये वैकेंसी है यहाँ पे। पेमेंट का मोड क्या है, पेपल और पायोनियर के थ्रू से करते हैं। पेमेंट रेट क्या है, वी पे फॉर द जॉब डन, द एवरेज पेमेंट रेट इज़ $0.60। तो मिनिमम जो पेमेंट है या एवरेज जो एवरेज पेमेंट यहाँ पे लिया गया है $0.60 पर मिनट का है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। व्हेन विल बी पेड, कब पेमेंट मिलती है, हर फ्राइडे को आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। हाउ मच डू आई हैव टू वर्क, एज मच एज यू कैन, आप जितना चाहो आप कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड आप अप्लाई कर सकते हो। क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं काम को लेने के लिए, नहीं, एकदम भी नहीं। क्या आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हो, ये इनके रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। कैन आई यूज माई फोन फॉर वर्क, यस, आप फोन को यूज कर सकते हो, मगर यहाँ पर रिकमेंड किया गया है लैपटॉप या PC। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के क्या है, यहाँ पे साइन अप और रजिस्टर का ऑप्शन दे दिया है। यू माइट बी टेकन टू द ऑर्डर फॉर्म दिस स्टेप्स, ठीक है, ये प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हें अभी हमें देखना है, और आपको एक टेस्ट पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये FAQs आप अच्छे से देख लेना अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अप्लाई जब यहाँ करोगे तो आप किस लैंग्वेज में करोगे आप देख लेना, मैं इंग्लिश में करूँगा क्योंकि मेरा इंग्लिश ऑब्वियसली इंग्लिश ही मुझे आती है, यहाँ पे हिंदी का तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर साइन अप करोगे, साइन अप करने के लिए आपके पास फेसबुक और गूगल का ऑप्शन दिया हुआ है,
अगर आप ऐसे साइन अप करना चाहते हो तो मेल से डायरेक्टली कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली मेल से साइन अप का ऑप्शन कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट जाता हूँ, मेल से अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या प्रोसेस है। एक एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अप्लाई पे जाना होगा। इंग्लिश आप जैसे टाइप करोगे आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी फेसबुक से लॉगिन कर लिया ना, तो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ MCQs क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन को कंप्लीट करनी है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, अगर आप एक भी मिस्टेक करते हो तो सेकंड मिस्टेक के लिए आप सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, मतलब आपका जो भी पॉइंट्स होगा वो बार बार आप यूटिलाइज कर पाओगे। मान के चलो अगर मैंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो आप दोबारा उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। मगर उसको MCQ क्वेश्चंस को देने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस पढ़ लो, क्योंकि ये गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो गाइडेंस में यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन देख लो, फुल वर्बेटिज्म क्या है, द टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब एग्जैक्टली एज इट साउंड्स एंड इंक्लूड ऑल द अटेंडेंस ऑफ द स्पीकर्स। स्पीचर, आई वेंट टू द बैंक ऑन थर्सडे, नो फ्राइडे, फर्स्ट स्टार्टेड, वांटेड, आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन, ओके। तो इस तरह के वर्बेटिज्म और क्लीन वर्बेटिज्म क्या है, स्पीच एरर्स होंगे या बहुत सारे स्लैंग्स जो होते हैं, गोचा, गॉट यू इंस्टेड ऑफ गोचा, ठीक है, गोइंग टू इंस्टेड ऑफ गोना, ये जो वर्ड है ना, इनको छोड़ के आपको ये फुल वर्ड लेना है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, यहाँ पे एक बार टेस्ट देके देख लेते हैं कि क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी डील्ड विथ, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। माई आईज आर ब्लू, इस तो होता नहीं है। फुल वर्बेटिज्म डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं करता, स्लैंग्स नहीं इंक्लूड करता, करेक्ट। इफ यू आर वर्किंग ऑन द पार्ट ऑफ 5 to 15 minutes टाइम स्टैम्पिंग, वेरी एवरी 30 seconds शुड स्टार्ट एट .000.00.30, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मेट ऑफ टाइम स्टैम्पिंग। तो यहाँ पे क्या, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्पिंग, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। इन द फर्स्ट प्लेस मॉडर्न कम्युनिकेटर्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मेनी पीपल टू वर्क फ्रॉम होम। इन द फर्स्ट प्लेस मॉडर्न कम्युनिकेटर्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मेनी पीपल टू वर्क फ्रॉम होम, ओके। इन द फर्स्ट प्लेस मॉडर्न कम्युनिकेटर्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मेनी पीपल टू वर्क फ्रॉम होम। वॉट इज टाइम स्टैम्पिंग एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ टाइम स्टैम्पिंग। टाइम स्टैम्पिंग इज अ वे ऑफ एक्नोलॉजिंग अ टाइम वेन अ न्यू स्पीकर ज्वाइंस द कन्वर्सेशन एंड इट शुड बी डन अकॉर्डिंगली। टाइम स्टैम्पिंग इज अ मेथड ऑफ एक्नोलॉजिंग द एग्जैक्ट टाइम इन द ऑडियो। इट कैन बी डन ऑन द चेंज ऑफ स्पीकर और एवरी 2 minutes अनलेस द क्लाइंट इज, ओके, ठीक है। साउंड मेड नॉट बाई द पर्सन स्पीकिंग आर ऑलवेज ऑन द डिफरेंट और सेम लाइन। वॉट शुड यू डू इफ यू कैनॉट आइडेंटिफाई हु एग्जैक्टली स्पीकिंग, यूज एनी स्पीकर लेवल्स एंड एडिटर विल करेक्ट इट, यूज स्पीकर लेवल्स बट विद अ क्वेश्चन मार्क बिफोर। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ये वाला ऑप्शन है। इफ यू couldn't अंडरस्टैंड समथिंग वॉट वुड यू डू, स्किप नो, ये वाला ऑप्शन है। अब चलिए कंफर्म करते हैं, देखें मैंने कितना पास किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको एक क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग दी जाती है जिसको सुन के आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, ठीक है। तब आप ऑन बेसिस ऑफ डैट आपका प्रोफाइल एलिजिबल हो जाता है या आप उसको पास करते हो, उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन का जॉब कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लो कि कुछ सैंपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्रांसक्रिप्शन सैंपल्स और ट्रांसक्रिप्शन कैप्शन एंड सबटाइटल सैंपल्स हैं, ये दो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्बेटिज्म का जो है देख लो, यहाँ पे सुन सकते हो, ये 5 सेकंड का ये जो ऑडियो है ना, ये पूरा आप प्ले करके बढ़िया से सुन लो, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरी रिकॉर्डिंग के यहाँ पूरे डिटेल्स दिए हुए देख लो, ठीक है। इंटरव्यूअर इंटरव्यू किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख लो। ये क्या है कि बेसिकली एक जो आप काम करोगे ना, उसका एक पूरा काम का सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है बिफोर अप्लाइंग। तो इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा। आप इसको डॉक फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, सो डैट आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। सेकेंड चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे कैप्शन का और सबटाइटल्स का जो यहाँ पे दिया हुआ सैंपल्स यहाँ पे आपको शेयर किया हुआ,
तो ये वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो और अकॉर्डिंग टू डैट वीडियो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये एक अदर सैंपल है जो आपको देख के समझ आ जाएगा। दोस्तों मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ट्रांसक्रिप्शन का जॉब मतलब टेस्ट के अप्लाई करने से पहले आप ये पर्टिकुलर सैंपल जो जॉब है ना ये दोनों को जरूर देख लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन सर्विस जो है आपका फर्स्ट वाला सैंपल ट्रांसक्रिप्शन सैंपल्स और दूसरा कैप्शन एंड सबटाइटल सैंपल्स, इससे क्या होगा आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। और फिर आप इसके बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप ये पर्टिकुलर फॉर्म को कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ये पूरा टेस्ट आप पूरा दे दोगे, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आप करोगे क्या, फिर आपको जो ऑडियो या वीडियो दिखाया जाएगा आप उसको सुनना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आपको मैं कुछ चीज़ बता दूं, उस ऑडियो या वीडियो फाइल्स में आपको क्या होगा, बैकग्राउंड में थोड़े नॉइज़ हो सकते हैं। एक्चुअली ये नॉइज़ इसलिए दिया जाता है सो डैट कि आपकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं वो, ठीक है, कि आप प्रॉपर सुन के प्रॉपर टाइप कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो एक्यूरेसी चेक किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको उसको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद क्या है आपको टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करने के लिए भी जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ आप उसको फॉलो कीजिएगा प्लीज, सो डैट आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई करके आप फर्दर प्रोसेस कर सको। तो आई होप आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि वो ट्रांसक्रिप्ट में आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस है और इनकम कैसे करोगे। अगर आपको कोई भी असुविधा हो रहा हो या आपको कहीं पे हेल्प चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा मैं रिजॉल्व कर सकूं। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।